बूंदों से डर लगता है। बैक बटन दबा दे, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, थैंक यू लिख दिया, ठीक है, आराम से जाओ, खाना वाना खाओ। और जो सच में सुनना चाहते हैं वो रुके यहां पे। ये भाई बहुत किस्सा ही एकदम हॉस्टल का है मेरे कॉलेज का। बात होगी, पहले तो आप लोग निकल लो जिनको डर लगता है, पहले ही बता रहा हूं मैं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, आप लोग निकल जाओ, जल्दी निकलो। जिन लोगों को सुनना है बढ़िया, 5 मिनट इंतजार करो, सुन के जाओ, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, कमजोर दिल वाले ना सुने, ये एकदम सही लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर तो आओ तभी तो सुनोगे ढंग से। क्या हुआ, अपन थे सेकंड ईयर में, ठीक है, अपन भी ऐसी होते ऐसी करते थे, अरे क्या होते हैं भूत भूत, कुछ नहीं होते, ऐसा होता है ना सबके साथ होता है, अरे होते ही नहीं है भाई भूत। लेकिन एक दिन ऐसा आया, ध्यान से सुनना, मैं क्या सेकंड ईयर की बात है, तो हॉस्टल था हमारा, मेरा था रूम नंबर 19, नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की बात है, हाँ फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की बात है, और रूम नंबर था 19, ठीक है। मेरा दोस्त था अजय विक्रम सिंह, ठीक, अभी वो लोहे वोहे की कंपनी में लोहा बेचता है ना, ध्यान से सुनना बात को, है ना। तो एक्चुअल में वो इस्पात विभाग में है भारत सरकार में, ठीक है, टेस्टिंग करता है वो कंपनीज में। तो वो क्या है, वो बहुत पढ़ता था, वो बहुत पढ़ाई करता था, है ना, बहुत भयंकर पढ़ता था वो, मतलब लगभग टॉपर टाइप का ही था। हम तो टॉपर थे ही नहीं वैसे भी, शकल से लग रहा होगा। तो क्या हुआ, ऐसी बातचीत चल रही थी, ठीक है, रूम नंबर 19 के पास में था रूम नंबर 17 में रहते थे प्रतीक चौहान, ठीक है। एक बार हमारी बातचीत हुई, कि ऐसी बातचीत होती ना हॉस्टल में मिलते हैं तो, और भाई भूतों पे विश्वास है क्या, ध्यान से सुनना, कॉलेज था HBTI, है ना, जमा अकाल भाई, अब तुम भूतों की स्टोरी में फिर वो ले आओगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, हंसोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हंस गए तुम तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना, अब तुम हंसा रहे हो मुझे सब लोग। सुनो फिर क्या हुआ, तो रूम नंबर जो अपना 19 था मेरा, ये लोग आए, प्रतीक चौहान, मैं बैठा और अजय विक्रम, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, और भाई भूतों पर यकीन है क्या, मैंने कहा कि क्या होते हैं भूत, कुछ नहीं होते। अजय विक्रम को थोड़ा सा कभी दिख गई होगी चुड़ैल टाइप की, है ना, कभी रोड पे जा होगा, एक वाइट साड़ी में निकल गई थी ऐसा, मतलब उसको ऐसा वो बता रहा था कि मैंने तो देखा है, है ना। और एक्चुअली क्या है ना, जो HBTI कॉलेज है उसकी दीवार और जो चिड़ियाघर है उसकी दीवार लगी हुई थी, तो वहां से जो आवाजें आए वो यहाँ पर एकदम संकट पैदा कर दें इंसान के जीवन में। इंसान जो है रजाई चादर में से छेद करके देखता था भाई क्या है, इस टाइप से चीजें होती थी वहां पे, है ना, थोड़ा भूतिया टाइप का हॉस्टल भी था वो, कई वहां के किस्से बहुत फेमस हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना 1921 का, तो कई सारे फेमस हैं कि लोग, मतलब अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारा फेमस है कि भूत भूत है वहां पे वैसा। अपने को तो लगा कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो अजय विक्रम ने बोला था ऐसा, कि हमको तो यकीन है, प्रतीक चौहान कह रहा कि भाई होते हैं, वो अलग टाइप का एक होता है ना ग्रुप में, भाई नहीं होते हैं, उसने ना देखा ना कुछ, भाई होते हैं, मैंने बोला नहीं होते हैं, इस टाइप से कह रहा, आ चल तुझे दिखाता हूँ मेरी हालत खराब, अब तुम हंसाओगे, अब तुम हंसाओगे तो भाई ऐसे ही हो जाएगा, यार हंसाओ मत, देखो हंसाओगे तो मजा नहीं आएगा, मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतीक चौहान ने बोला कि आओ पंकज तुम्हें दिखाते हैं, मैंने बोला चलो, हम भी एकदम पीना चौड़ा करके, होते ही नहीं है, हमने कहा चलो आओ। रात में 11:30-12 के आसपास की बात होगी, हॉस्टल की दीवार फांद के, चलता है सब कॉलेज में, है ना, हॉस्टल की दीवार फांद के चिड़ियाघर के पास, वहां पर मतलब ऐसा फेमस था कि चिड़ियाघर के पास में रात को मतलब 12-1-2-3 बजे के आसपास एक चुड़ैल घूमती है सफेद साड़ी में, ये फेमस था, मतलब पूरा फेमस था वहां पर, ठीक है। कानपुर वाले जो लोग होंगे वो शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे मुझसे, ठीक है, तो वहां आसपास है, नवाबगंज वाला जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ,
मैं पहुंचा वहां पे, मैं और प्रतीक चौहान दो लोग। तो वहां पहुंचे तो वहां कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था लिटरली, कुछ ऐसा मतलब उस समय यकीन भी नहीं था ऐसा। तो मैंने कहा यार भूत भूत नहीं होते, तूने मुझे पागल बना दिया, ठीक है, दो चार हिंदुस्तानी वाली गाली भी दी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम पागल बना रहे हो मुझे, यहाँ पर ले आए, कुछ दिखाई नहीं रहे हो। फिर हम वापस आ गए, फिर हम वापस हॉस्टल आ गए और मैं सो गया, प्रतीक चौहान अपने यहाँ सो गया, और अजय एक ही रूम था तो अलग अलग सिंगल सिंगल बेड होते हैं हॉस्टल में, अजय विक्रम अपना सो रहा। अब रात के बज रहे होंगे 2:30 से 3 के आसपास, और आपने सुना होगा ये जो 3, 3:30, 2:30 वाला टाइम होता है ये भूतों का टाइम होता है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा, जब अपन सोते हैं ना बेड पे सो रहे हैं तो चार्जिंग का प्रबंध होता है, साइड में सॉकेट होता है ना, तो सॉकेट में अपन ने चार्जर लगा दिया और अपना बढ़िया बेहतरीन फोन चला रहे हैं मस्त। तो जो चार्जिंग वाला पॉकेट है, ध्यान से सुनना, जो चार्जिंग वाला पॉकेट है उस पॉकेट के पास से ऐसा हाथ निकलता हुआ आया, चार्जिंग वाला जो होता है ना जहां हम चार्ज लगाते हैं फोन, उसके पास से ऐसा हाथ निकलता हुआ आया सामने मेरी तरफ, और पीछे से आवाज आई, क्यों हो गया यकीन भाई, मेरी हालत खराब हो गई भाई। ये सच कहानी है, ये सच है, तुम लोग हंस रहे हो भाई। कह रहा मैं सोने जा रहा हूं, भाई मत जा सोने इधर आ, ये एकदम सच कहानी है, ये मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूं। जहां अपन फोन चार्ज पे लगाते हैं ना उसी के पास से भाई ऐसा हाथ निकलता हुआ आया, ये मेरे साथ का इंसिडेंस है भाई, ऐसा हाथ पीछे से निकलता हुआ आया और मैं ऐसे फोन चला रहा था, पीछे से आवाज आई, क्यों हो गया यकीन भाई साहब, मेरा भाई फोन वोन सब फेंक दिया, मैंने कहा जाए विक्रम उठ जा भाई, ये क्या हो रहा है। तो चिड़ियाघर वाली जो थी ना वही आई थी, ऐसा बाद में मुझे सुबह बताया किसने, जो मैस में काम करता था ना राजू, उसने बताया कि है कुछ तो है। अरे ये सच है भाई, जो कानपुर वाले लोग हैं उनको पता होगा, चिड़ियाघर से आप जब गंगा बैराज वाली रोड पे निकलते हो, कईयों को दिखे हैं, बहुत बार दिखे, हम लोगों को रात में दिखे, तो ऐसा होता है भाई, ध्यान रखना। प्रतीक तो अपने रूम में सो रहा था, अजय विक्रम की हालत खराब हो गई, और मैं तो भाई 2 दिन तक तो अजय विक्रम से बेड लगा के सोया, मैंने कहा भाई तू साथ में सोएगा। ऐसे ही होता है ना कॉलेज में भाई, अकेले नहीं सोऊंगा मैं। तो ये रियल इंसिडेंस है, अब शायरी वायरी नहीं सुना पाएंगे भाई, आप शायरी सुना दी ना तो सब खत्म हो जाएगा मैटर, अभी तो थोड़ा सा माहौल बना है, है ना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज होते हैं, आप भरोसा करो ना करो, चार्जिंग जहां लगाते ना वहां से हाथ निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई अब टाइम हो गया है, मिलते हैं अपन, तब तक के लिए ओके बाय।